अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामिक दुनिया। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपको चावल और गेहूं के दानों पर एक ऐसा अमल बताने जा रही हूं जिसे आप रात के वक्त सोने से पहले कर लें तो अगले दिन सुबह होते ही आपके घर में दौलत आना शुरू हो जाएगी, रिस्क ही रिस्क के ढेर लग जाएंगे। आपको सुनने में ये बात बहुत अजीब सी लग रही होगी कि चावल और गेहूँ के दानों से घर में दौलत आ जाएगी, रिस्क आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, लेकिन दोस्तों जब आप ये अमल कर लेंगे तो आपको यकीन फिर ही आएगा कि आपका घर दौलत से भरना शुरू हो गया है। हर तरह की रुकावटें दूर हो गई हैं, हर तरह की बंदिशें टूट गई हैं। जो लोग ये अमल कर लेंगे उनकी किस्मत ऐसी चमक जाएगी कि यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। आपको पता है पैसा हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है, इसके बगैर ना तो कुछ खरीद सकते हैं और ना ही ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। अक्सर देखने में आया है कि अच्छा भला चलता हुआ कारोबार एकदम ख़त्म हो जाता है, अचानक बंद हो जाता है और नुकसान के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता। कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह होकर बंदे की बर्बादी का बायस बनता है। जब ऐसी सूरत हाल हो तो बंदे को जान लेना चाहिए कि उसके पीछे किसी हसद का हाथ है, जिसने अपने हसद की वजह से किसी आमिल से ऐसा अमल करवाया है जो उसके कारोबार की तबाही और बंदिश का बाइस बन गया है और आज वो बंदा परेशानियों और मुश्किलात का सामना कर रहा है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती जब एक चलता हुआ काम बंद हो जाए, आपको अच्छा रिस्क मिल रहा हो और अचानक वो बंद हो जाए, कोई रुकावटें आ जाएं, तो ऐसा फ़र्द मुसलसल जहनी परेशानियों का शिकार होकर हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और कई दूसरी लाइलाज बीमारियों का मरीज बन जाता है। उसका जहन ख़राब हो जाता है, उसके ईमान और यकीन में शदीदी फ़र्क आ जाता है, उसका अल्लाह ताला पर तवक्कल और यकीन ख़त्म होता चला जाता है और जैसे जैसे सूरत हाल बिगड़ना शुरू हो जाती है फिर वो आमिलों के पास भागता है, जादूगरों के पास भागता है कि किसी तरह से उसकी रुकावटें ख़त्म हो जाएँ, बंदिशें टूट जाएँ और दोबारा वो अपने पाँव पर खड़ा हो जाए। जाली आमिलों के पास जाता है और वहाँ से लुट लुटा कर घर वापस आ जाता है और हर तरह से नाउम्मीद और मायूस होकर मौत की गहराइयों की तरफ कदम बढ़ा लेता है। लेकिन दोस्तों, आज के इस अमल से मैं आपको पूरे यकीन के साथ कहती हूँ कि हर तरह की रिस्क की बंदिश टूट जाएगी, घर में रिस्क और दौलत के ढेर लग जाएंगे, आपके काम में, आपके कारोबार में, आपके रोज़गार में, आपकी नौकरी में, आपके घर में रिस्क में की दौलत की जितनी भी कमी होगी वो सारी की सारी दूर हो जाएगी और आपके घर में रिस्क और दौलत में बरकत पैदा होना शुरू हो जाएगी और इतना इजाफा होगा कि आपको देखकर खुद ही हैरानगी हो जाएगी। जिस अमल के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, इस अमल के लिए आपको थोड़े से चावल चाहिए और थोड़े से गेहूं के दाने चाहिए। हर घर में मौजूद होते हैं, जाहिर सी बात है आप चावल भी खाते होंगे और गेहूं भी खाते होंगे जिसकी रोटी बनती है, तो हर घर में ये मौजूद होते हैं। आप लोगों ने क्या करना है कि रात के वक्त थोड़े से चावल ले लेने हैं, मुट्ठी भर चावल ले लें और मुट्ठी भर गेहूँ के दाने ले लें। अब इन दानों पर आप लोगों ने अमल क्या पढ़ना है और घर में इन दानों को किस जगह पर रखना है, ये बात बड़ी तवज्जो से नोट फरमा लें ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। मुट्ठी भर गेहूं के दाने लेकर, चावल के दाने लेकर आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले गेहूं के दानों पर आपने ये अमल पढ़ना है, अस्तगफिरुल्लाह 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 या गनीयू या गनीयू या गनीयू और उसके बाद सूरतुल कौसर। तीन मरतबा आपने सूरतुल कौसर पढ़ना है, यानी कि तीन बार गेहूं के दानों पर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, फिर या तीन बार या गनीयू पढ़ें और फिर सूरतुल कौसर तीन बार पढ़कर फूंक मार दें। इसी तरह चावल के दानों पर तीन तीन मरतबा तीनों चीज़ें पढ़नी हैं। इन दानों को अपनी छत पर रख दें, छत पर फैला दें ताकि जब सुबह के वक्त परिंदे आपके घर की छत पर आएँ, इनको इस्तेमाल करें और इनको खा लें, तो यकीन मानें इस अमल की बरकत से ही आपके घर में रिज़्क और दौलत की ऐसी बारिश होगी कि कभी ज़िंदगी में आपने
आपने देखा नहीं होगा और ना ही कभी ऐसा अमल किया होगा और ना ही इतनी दौलत अपने घर में आती हुई देखी होगी। एक दिन इस अमल को करें, अगर फ़ायदा ना हो दो दिन कर लें, अगर फिर भी फ़ायदा ना हो तो तीन दिन, इंशाल्लाह आपके घर में ज़रूर दौलत की बारिश होगी। कम से कम आपने दो से तीन दिन इस अमल को लाजमी करना है, अपने तमाम दूसरे बहन भाइयों के साथ भी शेयर करना है ताकि आपके साथ साथ उनको भी फ़ायदा हो हासिल होता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, पाँच वक्त की नमाज़ पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।